Hello students, welcome on RJ Academy. You are with Professor Chintan Chudasama and this lecture for class 10. Already हमने linear equation क्या होता है वो हमने कर लिया है. Now अब हमें क्या करना है, practice set 1.1 पे आ जाना है, जिसमें आपको जो पहला question दिया वो activity based question है, जो आपके page number 4 पे है. And आपको जो equation दिया है आपने already 9th standard में solve किया हुआ है. फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होती है वो मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड. सर्टेन रूल से इसमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, एक्स या फिर वाई के कोएफिशिएंट मैच होने चाहिए, और लास्ट अगर दोनों मैच हो रहे तो उसकी साइंस चेक करके उसको कैंसिल करके एक्स एंड वाई के आंसर हमें फाइंड आउट करने होते हैं. ओके, ये जो मेथड है अब कैसे सॉल्व करना वो मैं बता देता हूँ. चलो पहला एग्जाम्पल, compute the following activity to solve the simultaneously equation. Okay, first equation is 5x plus 3y is equals to 9. ये आपका पहला equation है. Second equation है 2x plus 3y is equals to 12. बेटा ये जो 12 है उसको, ये जो plus है उसको हटा के वहां पे minus लिख दो, because वहां पे printing error है. Okay students, हटा के क्या करना है, हमें minus डाल देना है. Yes, चलो अब equation perfect है. Now, अगर आप ध्यान से देखो सो यहाँ पे 3y पॉजिटिव है, यहाँ पे 3y नेगेटिव है, कोएफिशिएंट तो y के मैच हो रहे हैं. ओके, देन साइन चेक करो, अगर ऑपोजिट साइन है तो इक्वेशन को क्या करते हैं हम ऐड. तो यहाँ पे लिखा है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो. अगर जब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तब कोई भी साइन चेंज होगा नहीं. डन, सो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, 5x प्लस 2x सो यू विल बी गेट 7x. देन आफ्टर, सॉरी x तो वहां पे दिया हुआ है, होती है यार थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, 7 तो हमें लिखना था, x तो ऑलरेडी दिया था, 9 प्लस 12 सो यू विल बी गेट 21. नाउ 21 को यहाँ पे रहने दो, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई था उसको इस साइड लेके आएगा जाएगा तो डिवाइड. डन, नाउ 7 वन जा 7 3 जा, सो x का वैल्यू मिल गया 3. x का वैल्यू 3 मिला. ओके, वहां पे भी वो लोग ने वही दिया, प्लेस x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. ओके चलो इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, कर लेंगे. चलो x के प्लेस पे यहाँ पे 3 पुट कर दिया, आपका पहला इक्वेशन यही था. देखो 5x plus 3y is equals to 9. Now 5 multiply by 3 so you will be get 15. अब ये 15 यहाँ पे आया, अगर वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो उसके लिए वो लोग ने बीच का स्टेप स्किप किया है, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए. ओके, नाउ 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 सो यू विल बी गेट माइनस 6. डन, नाउ माइनस 6 को यहाँ पे कॉपी करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड, वो लोग ने ऑलरेडी दिया हुआ है. नाउ 3 वन जा 3 टू जा, सो y का वैल्यू आ गया माइनस 2, x का वैल्यू आ गया 3. So, यहाँ पे लिख लो x is equals to 3, y is equals to minus 2. It's too much simple. इसके related आगे के questions पे जाते हैं. Take this screenshot, हम आगे पढ़ते हैं. Yes. Now next question is second question. Solve the following simultaneously equations. Okay, solve करना है, कर देंगे. उसमें जो पहला question है is 3a plus 5b is equals to 26. a plus 5b is equals to 22. चलो सबसे पहले इक्वेशन को अच्छे से लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा 3a plus 5b is equals to 26. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, एंड यहाँ पे लिख लेते a plus 5b is equals to 22. ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. डन, नाउ चलो देखते हैं कि कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं. ए के कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे है 1, कोई कॉमन नहीं है. यहाँ पे 5 है, बी के कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 5 है. चलो अच्छी बात है, दोनों के कोएफिशिएंट मिलते जुलते हैं. तो अभी क्या करेंगे, साइन चेक कर लेंगे. तो चलो यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 5 भी पॉजिटिव है. सो क्या करेंगे, अगर दोनों की साइन सेम है तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1.
चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरी, तो चलो यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, डन। चलो अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तब सारी की सारी साइने चेंज हो जाएगी, ये बात याद रखना, ओके। चलो तो यहाँ पे कुछ नहीं तो ये प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, डन। 5b कैंसिल, 3a नया वाला साइन माइनस a, सो यू विल बी गेट 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22, सो यू विल बी गेट 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 को यहाँ पे रखो, 2 इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड, ये दोनों को कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, सो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में a की जगह पे क्या लिख लेना है आपको 2 लिख लेना, ओके। चलो फर्स्ट इक्वेशन इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, चलो a के प्लेस पे क्या लिखना आपको 2, तो यहाँ पे a के प्लेस पे 2 लिख लिया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5b इज इक्वल टू 26, नाउ 3 टू 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6, सो 5b इज इक्वल टू 20, नाउ b को यहाँ पे रहने दो, 20 को भी यहाँ पे रहने दो, 5 इस साइड आएगा तो डिवाइड, सो b इज इक्वल टू 5 1 5 4, b की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिख लेना a कॉमा b इज इक्वल टू, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 4, ओके। अगर आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो जानना है तो आप ये ओरिजिनल इक्वेशन में a के प्लेस पे a पुट कर देना, b के प्लेस पे b पुट कर देना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो फर्स्ट क्या दिया आपको, इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपको क्या दिया है, सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले कोएफिशिएंट चेक कर लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस 2 है, कोई भी कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, सो x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो यू विल पिक एट 21y इज इक्वल टू 3 टेंस आ 30, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब जो नया इक्वेशन है और जिसपे चेंजेस नहीं हुआ वो दोनों इक्वेशन के बीच में प्लस माइनस करेंगे, ओके। चलो अब यहाँ पे भी 3x हो गया, यहाँ पे भी 3x हो गया, दोनों 3x पॉजिटिव है, जब भी साइन पॉजिटिव है तो जब भी साइन सेम होती है तब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, आगे वाले क्वेश्चन में ही देखा था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। चलो इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, ओके। चलो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारी साइन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चलो सॉरी चेंज हो जाएगी, ओके। यहाँ पे 3x कैंसिल, माइनस 2y माइनस 21y, सो यू विल बी गेट माइनस 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30, सो यू विल बी गेट माइनस 23, माइनस माइनस कैंसल, 23 कैंसल, रिमेनिंग इज y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 मिला तो काफी सिंपल है, y इज इक्वल टू 1 मिल गया ना, तो यहाँ पे लिखो प्लेस y इज इक्वल टू 1 ऑन इक्वेशन 1, इसको कहाँ पे पुट कर देना, इक्वेशन 1 में,
आप वन में करो, टू में करो, थ्री में करो, किसी में भी कर सकते हो, मैंने वन में कर दिया। ओके, एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टेन, सो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, सेवन मल्टीप्लाई बाय वाई के प्लेस पे वन इज इक्वल टू टेन, सो एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू टेन, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टेन, सेवन यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री। ओके, फाइनल आंसर लिख लो, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू है थ्री, वाई की वैल्यू है वन, पुट करके देख लो इक्वेशन में, आपको पता चल जाएगा। यस, टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट एंड आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन दिया आपको, सॉरी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। चलो ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, x के कोएफिशिएंट सेम दिए, साइन आपको दिया है ऑपोजिट। चलो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो, क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। चलो लिख लो दोनों इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे दिया है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। चलो वेरी गुड, यहाँ पे माइनस होगा तो सारी साइन चेंज कर दो, वेरी गुड। Now 2x, 2x क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस 3y माइनस y, सो यू विल बी गेट माइनस 4y, 9 माइनस 13, सो यू विल बी गेट माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, 4 4 कैंसल, कुछ नहीं बचा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख लेगा, y इज इक्वल टू 1। चलो y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर दो, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 2x minus 3y is equals to 9. Y के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, 1. So 2x minus 3 multiply by 1 is equals to 9. Therefore 2x minus 3 is equals to 9. 3 यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. 2x is equals to 9 plus 3. Therefore x is equals to 9 plus 3, 12. 2 यहाँ पे multiply में इस साइड आएगा तो divide. So x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6. Final answer लिख लो, x comma y is equals to 6 comma 1. ओके, आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चंस किए, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझाओ, एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ